Okay, Dr. Ruchika, your session is live, so you can start your session. Ma'am, you're not audible. Am I audible now? Yes, you are not audible now. So, good evening to all beautiful moms out here. And this is my very first session. So, though I am, eligible to take lectures for my students and everybody, but in the Super Moms, it's my first time I'm here. So, good evening with folded hands to everybody. And today we are going to discuss about a very beautiful topic. और कोई बता सकता है कि हमारा टॉपिक आज क्या है? ओके, पूनम, लाइफ स्किल्स में. वेरी गुड पूनम जी, थैंक यू. हमारा जो टॉपिक है आज वो है पावर ऑफ थॉट्स, कि हम अपने विचारों को कितनी अहमियत देते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि जो हमारे विचार होते हैं और जो हमारी इंटेंशंस होती हैं, जैसे हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं या कोई कामना होती है हमारे किसी के लिए कुछ, तो उनका भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर होता है. इसीलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ पीपीटीज आज प्रिपेयर की हैं. और ये जो पीपीटी है ये एक हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्व कर रहा है. इंडिया में है और अपार्ट फ्रॉम इंडिया 170 नेशंस में है. तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी इसका मेन पर्पज है कि ह्यूमन बीइंग्स को एक ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताया जा सके और कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट किया जा सके, ये इसका पर्पज है. तो ये जो पीपीटी मैं शो कर रही हूँ अभी आपको, ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की देन है ये जो पीपीटीज हैं. सो हियर आई गो. आई थिंक ये सभी को विजिबल है. Yes, ma'am. तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया लाइफ स्किल से रिलेटेड है, पूनम जी ने बताया. लाइफ स्किल्स का मतलब होता है कि हमारे जीवन में हमें अच्छी तरीके से जीवन जीने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है. वो स्किल्स हमें कैसे सीखनी है और हम उनपे कैसे काम कर सकते हैं. जैसे कि आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि एक लड़का है, वो आंख बंद करके बैठा है, योगा और मेडिटेशन की स्टेट में बैठा हुआ है. उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, काम एंड सेंटर्ड. ये जो बच्चा है ये बिल्कुल सेंटर्ड है, एकदम शांति बनाए हुए है, टाइम को मैनेज कर पा रहा है, स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है. होलिस्टिक वेलबींग का मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्णता से परिपूर्ण है ये. दूसरा, हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे मैं मदर हूँ, वाइफ हूँ, डॉटर हूँ, एवरीथिंग इज फुलफिल्ड. बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होना, शेयरिंग एंड केयरिंग होना, और इसी तरह से अगर हम ये सब करते हैं तो अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं. एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू अ फोकस एंड कंसंट्रेशन स्टेट ऑफ माइंड. तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट पावर ऑफ थॉट्स. पावर ऑफ थॉट्स इस टॉपिक का नाम इसलिए लिया है क्योंकि थॉट्स की अपनी पावर होती है. थॉट्स की वजह से हम अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं. ये आज का हमारा टॉपिक है और इसको हम समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए, ये इसका उद्देश्य है. आपको जान के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि एक दिन में तकरीबन हमारे पास 60,000 to 70,000 थॉट्स होते हैं. तो हमारा जो दिमाग है वो कितना थक जाता होगा जब 70,000, 60,000 इतने सारे थॉट्स लगातार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं. तो हमारा दिमाग इतना कई बार थकान महसूस करता है कि शरीर से तो हम नहीं थके होते हैं, लेकिन जब दिमाग से थके होते हैं तो हमें पूरी थकान फील हो रही होती है. जबकि हमें लगता है कि हम तो एसी में बैठे थे, हमने कुछ काम भी नहीं किया है. और एक मजदूर जो पूरा टाइम थक के काम कर रहा है वो थका हुआ है तो हम माने कि वो थका हुआ है, लेकिन हम सारा दिन घर पे हैं, आराम से बैठे हैं और उसके बाद भी थक गए हैं. तो उसका रिजल्ट जो है वो थॉट्स की वजह से है. इतने थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं कि हम देख भी नहीं पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं. काम करते हुए भी लगातार थॉट्स हमारे दिमाग में बने हुए रहते हैं जिसकी वजह से हम थकान महसूस करते हैं. अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी. एक जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो उसको हम सबसे पहले पेड़ लगाने के लिए हमें एक सीड चाहिए होता है, एक बीज चाहिए होता है. तो बीज जो होता है हम सबको पता है कि वो बीज बहुत छोटा सा होता है, लेश मात्र होता है, और वो एक बड़े ट्री में, एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद. तो वो जो उसका बेस सोर्स है ट्री का,
वो एक सीड है, एक बीज है। इसी तरह से हमारी लाइफ में जो हम आज हैं, जो आज हम लाइफ जी रहे हैं, उसका भी एक सीड है। कोई बता सकता है वो सीड क्या है? जो हम आज हैं उसका जो बीज है और उसका जो बीजो रूपांतरण हुआ है वो हमारा विचार ही है। तो हम देखेंगे आगे किस तरह से विचार हमारे जीवन को परिवर्तित करता है और हम उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बताया अभी हमने एक बीज देखा और फाइनली वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गया है। तो एक सीड में इतनी क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि वो एक ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो सीड्स हम अपने दिमाग में विचारों के 24 घंटे डालते हैं उनका नतीजा क्या होता होगा इस बारे में हम कभी भी विचार नहीं कर सकते हैं, किया ही नहीं है हमने, क्योंकि ना तो स्कूल में कभी पढ़ाया गया, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, पेरेंट्स ने भी कई बार नहीं बताया, क्योंकि हमें नहीं पता तो हम भी अपने बच्चों को नहीं बता सकते। लेकिन आज का सेशन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें एज अ पेरेंट गाइड करेगा, कि हम अपने बच्चों को भी गाइड कर पाएंगे कि किस तरह से विचारों को अपने दिमाग में रखें और किस तरह से उनको खाली भी किया जा सकता है। तो जब हम एक विचार को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को वो परिवर्तित कर सकता है। सीड्स ऑफ थॉट्स हैव द पावर एंड पोटेंशियल टू अफेक्ट आवर लाइव्स। जो विचार हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्शन करने लगते हैं थोड़े दिन बाद। तो जो विचार होते हैं धीरे 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 वो हमारी लाइफ को कन्वर्ट करने लगते हैं, परिवर्तित करने लगते हैं। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी इस सेशन में, नॉट लाइव लेकिन पीपीटी के थ्रू ही, हो सकता है आप लोग उनको जानते हो। ये एक जैपनीज ऑथर है, रिसर्चर है, फोटोग्राफर है और एंटरप्रेन्योर है। हिज नेम इज डॉक्टर मसरू इमोटो, तो हम इनको डॉक्टर इमोटो मसरू भी बोलते हैं। और कोई बता सकता है मुझे, कोई भी बहन मेरी, कोई मदर, सिस्टर, एनीबडी कैन टेल मी कि ये इन्होंने क्या किया था, अगर कुछ पता है तो, ये जैपनीज ऑथर जो हैं। ओके, ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ऑथर हैं और इन्होंने पानी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए पानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं कि जो पानी होते हैं, जो विचार होते हैं हमारे, अगर पॉजिटिव विचार है तो उसका प्रभाव भी पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव विचार है तो उसका प्रभाव भी नेगेटिव ही होगा, ये इन्होंने बताया है। और इसको एक्सपेरिमेंट किया, ये सब हम जानते हैं जो लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से सभी को समझ आया कि ऐसा होता है। अच्छा, हमारा जो शरीर है, मानव शरीर जो है, दैट इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, 70% वो पानी से बना हुआ है। तो जो पानी होता है उसकी भी एक मेमोरी होती है, वो याद रखने की क्षमता रखता है। अभी मैं अपने कुछ स्टूडेंट से पूछ रही थी कुछ दिन पहले, क्या हो कि अगर हमारी मेमोरी पूरी हट जाए हमारे माइंड से, तो क्या हम आज घर जा पाएंगे, क्या हम अपने माता पिता को पहचान पाएंगे, दोस्तों को पहचान पाएंगे, विच इज almost impossible because it is memory only which reminds us about everything, what had happened in the past and what is happening in the present. We are worrying about the past and anxious about the future because of memory only. Memory ही हट जाएगी तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा और हम कुछ recognize भी नहीं कर पाएंगे। तो पानी की भी अपनी memory होती है। एक छोटा सा video है, मैं आप लोगों के साथ share करूंगी, जिसमें कि डॉक्टर इमोटो मसूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर और वो पानी किस तरह से मेमोरी को रखता है। देखिए आप एक वीडियो।
वीडियो से क्या समझ आया, कोई शेयर कर सकते हैं? कोई भी जो भी शेयर करना चाहे कुछ बता सकते हैं? तो इस वीडियो में डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वाटर के साथ किया कि वाटर को जब हम अलग अलग फीलिंग्स अलग अलग थॉट्स देते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करता है। जैसे हमने प्यार की फीलिंग्स पानी को दी तो वाटर के पास एक मेमोरी होती है जो इसको रिटेन करती है। तो जब हमने बोला पानी को बहुत, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ग्लास है और पानी है, मैं इसको प्रेयर करके इस पानी को पीती हूँ, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल जो इसके अंदर H2O का अरेंजमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो अरेंजमेंट दिखाई देता है फूल की शेप में या क्रिस्टल्स की शेप में। और अगर मैं इसको बहुत हेट्रेड की फीलिंग शो करती हूँ कि नहीं यू आर डर्टी यू आर बैड, इस तरह से अडोल्फ हिटलर की जैसे बात करें इसके पानी के सामने रख के या कुछ नेगेटिव बात करें, तो वो पानी उसके अंदर बहुत ही एक फ्रोजन सी इमेज बना लेता है, बहुत अगली लुकिंग इमेज बन जाती है उसके अंदर। सो डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि वाटर पानी की भी अपनी एक मेमोरी होती है। तो आप ये सोचिए कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है जिसमें कि 60-70% वाटर है, तो अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो उसका हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, एक थॉट भी जो हमारा नेगेटिव होता है, तो जो 60-70% वाटर है हमारे अंदर, वो भी पूरा का पूरा नेगेटिव हमारी बॉडी को, माइंड को, इमोशंस को कर देता है, राइट? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सोच समझ के, या सो वी हैव टू थिंक ब्यूटिफुली रादर देन हैविंग द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, रिपल्शन एंड डिसलाइकिंग। If we can change our thinking towards some beauty, towards liking, towards love and attraction, that's a beautiful feeling. So Dr. Emoto ka jo experiment hai, bahut hi popular experiment hai throughout the world. You can see this experiment on YouTube also, ki inhone kis tarah se water ka experiment kiya, kyunki water ki ek memory hoti hai, right? So we will understand it much further with some more things, with some more slides. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारे विचारों का, हमारे जब पानी का एक, हमारे अंदर जो पानी का कॉन्स्टिट्यूशन है 70%, 60%, और वो मेमोरी को रिकॉल कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है चीजों को, तो हमारे अंदर जो वाटर है, हमारे जो थॉट्स हैं, अगर वो वाटर तक पहुंच रहे हैं, ऑफकोर्स दे आर रीचिंग, तो हमारे पूरे शरीर की क्या हालत होती है। और एक एक थॉट जो है हमारे अंदर जाके नेगेटिव या पॉजिटिव चीजों को क्रिएट कर सकता है। दिस इज अ वेल अंडरस्टूड रिसर्च एंड अ वेल अंडरस्टूड थिंग आल्सो। एक चीज मैं आपको करवाना चाहती हूँ, आप सब अपने आप से करिए, मैं इसमें कुछ आपसे पूछूंगी नहीं। आप तीन चीज ऐसी लिख सकते हैं, तीन ऐसी क्वालिटीज अपनी लिख सकते हैं, एक डायरी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, अपने मोबाइल में भी लिख सकते हैं, वो क्वालिटीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है अपने बारे में। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत स्ट्रेंथ है उन क्वालिटीज के बारे में, आपकी आप एंड दे प्रोवाइड यू सम अपॉर्चुनिटीज आल्सो, यू फील लाइक यू आर गुड इन टू दोज क्वालिटीज, यू कैन राइट इट डाउन। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी यू कैन ऑल्सो राइट डाउन अबाउट योर थ्री क्वालिटीज विच यू डोंट लाइक अबाउट योर सेल्फ। ऐसी तीन चीजें जो आपको अपने बारे में पसंद है और ऐसी तीन चीजें जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है। आप बैठे बैठे भी सोच सकती हैं कि मुझे ये तीन चीजें अपने अंदर पसंद हैं। अब उन चीजों के बारे में सोचें, उन क्वालिटीज के बारे में सोचें जो मुझे पसंद नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है, आप अपने आप से ही आंसर कर सकते हैं इसका, कि जब आप अपनी अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं, सो हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। और दूसरा, जब आप नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में जो आपको पसंद नहीं है उनके बारे में अगर आप कुछ सोच रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। हम जरा सोचें और गौर करें कि जब अच्छी चीजें हम सोचते हैं तो हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब नेगेटिव चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो हमारा मन कैसे रिएक्ट करता है। एवरी टाइम आई वॉज लिसनिंग टू
वन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड ही सेड जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी लाइफ जो लोगों को जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनसे जो अलग करता है वो सिर्फ एक ही क्वालिटी है एंड द क्वालिटी इज लिविंग कॉन्शियसली. कॉन्शियसली लिविंग का मतलब ये है कि हर वक्त हमें ये पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ बिफोर वी टेक एनी एक्शंस, बिकॉज एक्शंस आर द रिजल्ट्स ऑफ थॉट्स. तो विचारों का ही परिणाम हमारा कर्म होता है. तो हम पहले अच्छे से उसको कॉन्शियसली जिए उस चीज को और फिर उसके बाद हम उसको एक्ट करें. तो द गुड क्वालिटीज इन मी व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट दीज थ्री गुड क्वालिटीज, दीज क्वालिटीज आर एक्चुअली मोटिवेटिंग मी, दे आर गिविंग मी हैप्पीनेस. एंड ऑन द ऑपोजिट साइड व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट सम नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ माइन, आई एम जस्ट यू नो नॉट फीलिंग गुड एंड आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. सो ऑफकोर्स द पॉजिटिव थिंग्स are actually letting me towards the positivity and the negative things are letting me through the negativity. That is of course true. So this also can be done. There's a chat box. You can share if you like this activity, you can thumbs up. If you do not like, you can thumbs down. So this is, you can do it. Two things which you are doing are actually making you happy or sad. Happy. I am happy because, you know, I am a very good mother and sometimes I don't have time for my kids. So it makes me sad. Both of these things, both of these emotions, happiness and when you are not happy or when you are sad, these things go on simultaneously in our mind and we feel the repercussions, we feel the result of it in our body also. हमारे विचारों की वजह से कई बार हमें लगता है नेगेटिव सोचते हैं तो सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, या बीपी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, या लो हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है आजकल. छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है एंड द प्रॉब्लम्स जितनी भी हमारी बीमारियां हैं शरीर से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई, मानसिक हो या शारीरिक हो या फिर इमोशनल हो, सारी की सारी जितनी भी बीमारियां हैं हमारे विचारों से ही जुड़ी हुई है. तो बहुत अच्छा हो कि हम अभी से सतर्क हो जाएं कि हमने सोचना कैसा है, या फिर दूसरे के बारे में भी कोई फीलिंग्स रखना. एक इंडियन डॉक्टर है, वो साउथ इंडियन डॉक्टर है, ही इज बेसिकली इज इन एलोपैथी, लेकिन एलोपैथी को वो ज्यादा फॉलो नहीं करते. उनका सजेशन ये है कि आयुर्वेदा की तरफ हमें जाना चाहिए. तो वो डॉक्टर ने बताया कि कैंसर का रीजन क्या है. कैंसर के लिए उन्होंने बोला कि 90% जो रीजन है कैंसर का वो क्या है कि जब मैं किसी से नफरत करती हूँ, सपोज आई डोंट लाइक समबडी, मुझे कोई पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा देती हूँ. हमारे अंदर सेल्स होती हैं, जो मेरे अंदर सेल्स मतलब कोशिका, सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है. तो हमारी जो सेल्स हैं वो सभी की एक जैसी सेल्स होती है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनके जो एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सबका एक जैसा है. जैसा मेरा है वैसा आप सबका भी है. तो क्या होता है कि मेरी सेल्स को ये नहीं पता कि वो, उनको हैप्पी रहना आता है, उनको ये नहीं पता कि उदासी क्या होती है. लेकिन जब मेरे अंदर वो हेट्रेड वाली फीलिंग आती है किसी के लिए तो आपस में मेरी जो सेल्स होती हैं वो लड़ाई करना शुरू करती हैं और वो रप्चर हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, वो डेड हो जाती हैं, जिसका रिजल्ट होता है कैंसर. जब मुझे पता है कि मेरे थॉट से मैं बीमार भी हो सकती हूँ या बीमार हो सकता हूँ, तो वाई कांट आई इम्प्रूव इट एट दिस मोमेंट. मैं इसी मोमेंट में अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर लूँ. दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी. Yes, and if I choose कि मुझे तो बीमारी होना है तो मैं negative thoughts रख सकती हूँ, किसी को मैं नफरत कर सकती हूँ क्योंकि इससे किसी और को कुछ फायदा नहीं होने वाला लेकिन मुझे नुकसान जरूर हो जाएगा. So इन चीजों को हम सोचे, गौर करें तो हम एक ब्यूटिफुल लाइफ को जी सकते हैं. एक डॉक्टर ब्रूस एच लिप्टन है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है और ये एक सेल बायोलॉजिस्ट है. इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है पॉजिटिव परसेप्शन के बारे में, कि आपकी जो धारणा है अगर वो पॉजिटिव हो, अगर जिस मोमेंट पे आप अपनी परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं उसी वक्त आप अपनी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को भी दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा चेंज कर सकते हैं. आप कितने भी बीमार हो, आपको कोई भी परेशानी हो, जैसे ही आप अपनी धारणा को चेंज करते हैं, बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, अपनी परसेप्शन को बदलते हैं, किसी को जज करते हैं उसको आप चेंज कर लेते हैं, तो आप एक नई जिंदगी जी सकते हैं, एक हेल्दी बॉडी को आप एंजॉय कर सकते हैं ऑल द टाइम. सो ब्रूस लिप्टन की भी बुक है
बायोलॉजी के ऊपर ही है ये, सेल बायोलॉजी, आई फॉरगॉट द नेम राइट नाउ, सबकॉन्शियस माइंड पे है और इसी पे है कि आप चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी की पूरी केमिस्ट्री. तो अगर मौका मिले तो ब्रूस एच लिप्टन की बहुत ही पॉपुलर बुक है, आप पढ़ भी सकते हैं उसको. तो ये सब जितने भी लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, राइटर्स हैं, ये सब यही बोल रहे हैं कि हम अपना जीवन बदल सकते हैं अगर हम अपने विचारों को बदल सकें तो. और विचारों को बदलना एक दिन में आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से हम डेफिनेटली ऐसा कर पाएंगे. अगर हम वही विचारधारा रखें पुराने कि मुझे नहीं बदलना, मैं नहीं बदलना चाहती हूँ और मेरा जैसा जीवन चल रहा है मैं उसी जीवन को जीना चाहती हूँ, तो वही रिजल्ट मिलेंगे आपको, वही आपकी दिनचर्या रहेगी. और हमारे माइंड के अंदर भी ना कुछ रास्ते बन जाते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि जब हम एक नदी है वो एक रास्ता बना लेती है जब नदी जाती है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वहां पे सूखा पड़ गया और जो नदी का रास्ता था वो बंद हो गया. अब फिर अचानक से बारिश हुई तो नदी का वही रास्ता फिर से बन जाएगा. इसी तरह से हमारे दिमाग में भी कुछ वायरिंग हुई हुई है जिसकी वजह से हमारी हैबिट्स चेंज नहीं होती हैं, उन्हीं हैबिट्स को हम हमेशा फॉलो करते रहते हैं. लेकिन धीरे धीरे प्रयास से कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं जो हम इस सेशन में बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम अपनी ओल्डर थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं. और उसी की वजह से वंस आई एम एबल टू चेंज माई थिंकिंग, डेफिनेटली आई वुड बी एबल टू सी द न्यू रिजल्ट्स. तो उसका जो परिणाम होगा वो रिजल्ट्स होगा, दूसरे रिजल्ट्स होगा, रिजल्ट्स नए होंगे. तो अभी तक हमने क्या समझा है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है. वी हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज. एंड थॉट्स एंड वर्ड्स हैव पावर, एंड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस दे अफेक्ट आवर सेल्स, हमारी कोशिकाओं को, टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को, एंड ऑर्गेनिज्म, द कंप्लीट मी मुझे इफेक्ट करता है मेरा विचार. तो विचार हम हमेशा ऐसा रखें जो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, जिससे कि मैं एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाऊं. सो दिस इज टुडेज रीकैप जो हमने अभी तक पढ़ा है. अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि मैं यूनिक हूं, मैं अद्वितीय हूं, मुझ में कुछ क्वालिटीज हैं. एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी इज अ यूनिक इंडिविजुअल. सो हम अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि मैं एक यूनिक पर्सन हूं, जो भी जिसमें भी जो भी क्वालिटी है वो उनकी क्वालिटीज है, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज हैं. एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज क्वालिटीज सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई लाइफ. मैं अपनी जिंदगी को, अपने जीने के तरीके को सुधार सकता हूँ. अपने आप को रिमाइंड कराएं, यस मैं यूनिक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, सबसे अलग हूँ, डिफरेंट हूँ, और मेरी कुछ अपनी क्वालिटीज हैं. लुइस हे, एक मेरे को बहुत अच्छी लगी है मंदी, अमेरिका में थी ये और इनको कैंसर हुआ था. तो जब ये फोर्थ स्टेज पे पहुंच गई थी तो उसके बाद भी ना डॉक्टर्स ने इनको बिल्कुल मना कर दिया था कि आप रिकवर नहीं कर पाएंगी. इनकी पूरी बॉडी जो थी वो अंदर से गल गई थी और इनके ऊपर छाले छाले से जैसे अंदर ऑर्गन्स के ऊपर वो हो गए थे पूरी बॉडी में, और इनका जो शरीर था वो पूरा सिकुड़ गया था कैंसर की वजह से. तो जो फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज जो कैंसर की थी, शी वॉज इन टू दैट स्टेज, उसी के थ्रू ये सफर कर रही थी बहुत ज्यादा. अब इनको ये लगा कि डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है, सब कुछ इनको पता चल गया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी विल पावर को यूज किया, इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को यूज किया, अपने थॉट्स को पॉजिटिव किया, और इन्होंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं इस बीमारी से बाहर निकल सकती हूँ. इन्होंने धीरे धीरे अपने थॉट्स को इतना मजबूत किया कि अपनी एक एक बॉडी सेल को, अपनी एक एक इंडिविजुअल सेल को इन्होंने हील किया अपने विचारों के द्वारा. अपने विचारों से ही इन्होंने अपने आप को इतना हेल्दी बना लिया कि अमेरिका के डॉक्टर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड थे कि आप जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता था वो इतनी हेल्दी कैसे हो गई है अचानक से. सो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड. इनकी एक बुक है, यू कैन हील योर सेल्फ, लुइस हे है उसका राइटर यही है, यू कैन हील योर सेल्फ. और इन्होंने ना हर एक डिजीज का कारण बताया. अगर किसी के घुटने में दर्द है तो उन्होंने किसी के प्रति नफरत रखी, किसी के कंधे में दर्द है या गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस का पेन आता है या कुछ भी जैसे, तो उसका इन्होंने रीजन बताया अपनी बुक में कि इसका मतलब आप ऐसा सोचती हैं कि पूरे परिवार का बोझ आपके ऊपर है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर और आपका कोई सहारा नहीं है, इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आपको यहाँ का दर्द आ जाएगा. माइग्रेन के लिए इन्होंने अलग रीजन बताया. तो हर एक बीमारी के लिए इन्होंने थॉट्स से कनेक्ट किया है.
कि विचारों से ही हमारी सारी बीमारियां हैं, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक हमारी जितनी बीमारियां हैं सभी विचारों का ही परिणाम है, ये इन्होंने बताया लुईस हे ने। सो वी शुड हैव प्योर इंटेंशंस, किसी के बारे में भी अगर हमारे कुछ सोचा है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा नहीं है कर्म करके ही हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मन से भी और अपनी जुबान से भी हम किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें हम अपने आप को भी कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, राइट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर हमारी इंटेंशंस, इंटेंशंस का मतलब ये है कि किसी के लिए कुछ सोचना, कामना करना किसी के लिए प्योर है, क्लियर है, मैं सोचूं सबका भला हो, सब मेरे ही तो भाई बहन है, सब मेरे से ही तो जुड़े हुए हैं, सबका कल्याण हो, अगर ये फीलिंग है मन में तो एनर्जी फ्लो करती है वहां पे। ये बोलते हैं जहां पे आपके इंटेंशंस होती हैं वहां पे एनर्जी फ्लो करती है। सो देयर इज अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस एवरीवेयर वेयर एवर यू गो। एक पॉजिटिव बंदा जहां भी जाएगा वो पॉजिटिविटी ही फैलाएगा और उसकी सुगंध इतनी फैलती है कि आसपास लोग उसको चुनना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं। तो हमारी इंटेंशंस, हमारे विचारों को हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है ये बाबर अली की। बाबर अली जो है वो वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही छोटा लड़का था और इसको वर्ल्ड्स यंगेस्ट हेडमास्टर का अवार्ड मिला। इवन जो एलिजाबेथ है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो इसको नाम से जानती हैं और बीबीसी 2009 में इनको अवार्ड दिया था वर्ल्ड्स यंगेस्ट हेडमास्टर। तो एक बार देखते हैं बाबर अली की लाइफ को कि उनको ये अवार्ड क्यों मिला और इन्होंने ऐसा क्या किया था। लेट्स सी दिस वीडियो। Story of Babar Ali, which we have seen right now. तो एक 9 साल के बच्चे के मन में ये विचार आना कि किस तरह से मैं किसी का जीवन बदल सकता हूँ। गरीब बच्चा था, इसकी intentions बहुत प्योर थी, बहुत क्लियर थी कि मुझे किसी की मदद करनी है। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी अपने जीवन में वो ये कि जब हम किसी की मदद करें तो उसके पीछे कुछ लेने का भाव ना हो, कि मदद ऐसे की जाए या सर्विस इस तरह से की जाए कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए लेकिन किसी की मदद हो जाए इससे। तो जो बाबर अली था 9 साल की एज में उसको ये ख्याल आया कि मैं किस तरह से लोगों की मदद कर सकता हूँ, गरीब बच्चों को मैं किस तरह से पढ़ा सकता हूँ। तो उसने एक इनिशिएट लिया, उसका इनिशिएशन यही था कि
इनिशिएटिव उसका यही था कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना। तो इवन जब वो स्कूल से आता था तो बच्चे वेट करते थे उसके लिए कि कब बाबर अली स्कूल से आएगा और हमें पढ़ाएगा। सो दिस वॉज द इंटेंशन कि किस तरह से बच्चे वेट करते थे उसकी। एंड अनदर थिंग वॉज दैट कि उसके पीछे जब देखा पूरे गांव वालों ने कि किस तरह से उसने सपोर्ट किया है सबको, किस तरह से उसने हेल्प किया है सबको, तो सब पूरा गांव आ गया। आज उसके पास स्कूल में 800 बच्चे हैं, 800 गरीब बच्चे हैं, और उसके पास कम से कम स्टाफ मेंबर है, 10 से 12 लोगों का स्टाफ है। एक एनजीओ बन गया है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और उसको बीबीसी ने पूरा हेडमास्टर ऑफ द ईयर, हेडमास्टर, यंगेस्ट हेडमास्टर का अवार्ड दिया। इवन बीबीसी लंदन ने उसको चूज किया और बेस्ट इंडियन का भी अवार्ड दिया। तो उसने ये सब अवार्ड लेने के लिए नहीं किया, उसका जो पर्पस था वो पर्पस यही था कि मैं हेल्प करूं। और जब आपका पर्पस ये होता है कि आप दूसरों की मदद करेंगे, तो वो एक जब पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प देने के लिए तैयार हो जाता है, यू सी कि किस तरह से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि वो सबका जो प्यार मिल रहा होता है, सबसे जो आशीर्वाद मिल रहा होता है, वो पूरा आपको आगे ले जाके सक्सेस दिलाता है लाइफ में। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बाबर अली जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटेंशंस हमारी प्योर होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बता दूं आपको। थॉट्स और इंटेंशंस, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में विचार है, हाँ मैं सबके बारे में भला सोचूं, मैं सबके बारे में अच्छा करूं, लेकिन कोई एक्शन ना करूं, बैठे ही रहूं, सबके बारे में मैं अच्छा ही सोचूं, कुछ ना करूं। तो हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, उसके साथ एक्शंस भी होने चाहिए, हम काम भी करें। सो पुट योर प्लान इनटू एक्शन। कि जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि कोई बेचारा बहुत गरीब है तो मैं उसको खाना खिला सकती हूँ, या कोई ऐसे बच्चे हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनके बुक्स जो बच जाती हैं तो हम ऐसे गरीबों में दे सकते हैं, कपड़े हमारे घर में एक्स्ट्रा हैं तो हम किसी की मदद कर सकते हैं, रादर देन कीपिंग देम इन द अलमीरा और इन द बेड कबर्ड्स में रखे, उनके बदले हम उनको डोनेट कर दें, घर भी हमारा साफ हो जाएगा और हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। तो वो फीलिंग मदद करने वाली हमेशा हमारे अंदर हो और उसके साथ हम मदद भी करें। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये वो साइमल्टेनियसली टुगेदर, एक साथ ये सारी चीजें चलती हैं, इन चीजों का हम ध्यान रखें। आज अभी तक जो हम लेसन लर्न किए हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी थॉट्स पॉजिटिव हैं तो हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव ही होंगे। हैव क्लियर एंड प्योर इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब यही है कि किसी के बारे में कुछ ख्याल रखना, किसी के बारे में मैं क्या विचार रखूं, किस तरह से उसको मैं सोचूं चलो भगवान इसको भी सक्सेसफुल बनाए। तो वो जो मेरे विचार हैं वो इंटेंशंस हैं। प्योर होना, क्लियर होना, मेरे माइंड में क्लियर है कि नहीं नहीं किसी का बुरा ना हो, ये चीजों का होना। एंड थॉट इज द बेस फॉर एवरी एक्शन और एनी एक्शन। जो हमारे थॉट्स होते हैं वही हमारा नेक्स्ट कदम होता है, हम उसी तरह से एक्शन लेते हैं। पहले हमारे हार्ट के अंदर फीलिंग आती है, फिर हमारे अंदर वो विचार आता है दिमाग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारा हार्ट है। जेम्स एलन की एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, आप सब देख सकते हैं ये यहाँ पे, यू आर टूडे वेयर योर थॉट्स हैव ब्रॉट यू, यू विल बी टुमोरो वेयर योर थॉट्स टेक्स यू और टेक यू। तो आज जब हम यहाँ पे हैं, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, ये हमारे पास्ट की वजह से है, और जो हमारा कल है, जो हमारा टुमोरो है, वो भी हमारे आज की वजह से होगा। सो दैट मीन्स माय पास्ट हैज लेड मी टुडे हियर वेयर एम आई, एंड माय प्रेजेंट इज लीडिंग मी टुवर्ड्स माय फ्यूचर, सो वेयर आई विल बी रीचिंग टुमोरो, दैट इज द रिजल्ट ऑफ टुडे ओनली। तो आज ही मैं अच्छा सोचने लगूं, अभी से ही मैं अच्छा सोचने लगूं, जिसकी वजह से मेरे जो एक्शंस हैं वो भी प्योर हो जाएं, वो भी पॉजिटिव हो जाएं, बिकॉज अ पॉजिटिव थॉट लीड टू अ पॉजिटिव एक्शन इवेंचुअली। एक जिस ये मेरा फर्स्ट पार्ट आज का पूरा होता है यहाँ पे, जिसको हमने पावर ऑफ थॉट्स बोला है। और कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं हार्टफुलनेस में एक ट्रेनर हूं, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, पर ये बहुत आसान है। और ये किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके बताऊंगी। एक जो पहला पार्ट है इसका, वो है गाइडेड
हमारी रिलैक्सेशन, किस तरह से हम रिलैक्स करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी ऐसी जगह हो जहाँ पे आप इसको फील कर पाए, महसूस कर पाए, वैसी जगह पे आप बैठिए जहाँ पे थोड़ी सी शांति हो, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी सी ऐसी जगह चाहिए हमें जहाँ पे हम उसको फील कर पाए। तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन में हम एक एनर्जी का यूज करते हैं और इस एनर्जी को संस्कृत से का शब्द से निकाला है जिसका अर्थ है प्राणाहुति, प्राणों की आहुति। तो प्राणाहुति का इस्तेमाल हम इस में करते हैं, ये ऊर्जा होती है जिसको हम इस्तेमाल करके ध्यान करते हैं, ठीक है। मैम आपका बार बार अनम्यूट क्यों हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आपको। सॉरी मैम, यू कैन कंटिन्यू। तो हार्टफुलनेस इज अबाउट वेरियस यू नो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, ये जो एस्पेक्ट है दैट इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में सबसे पहले हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने पैर के अंगूठे से लेकर सर तक हम पूरा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं तो हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मेडिटेशन करने का तरीका ये है कि हमने अपने विचार को अपने हार्ट के ऊपर लेके जाना है, जो हमारा हृदय है जहाँ पे हम अपनी हार्ट बीट को महसूस करते हैं, अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। हम अपने विचार को वहां पर लेकर जाएं और हम ऐसा महसूस करें कि ईश्वर पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान है। द अलमाइटी गॉड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माई हार्ट। हम सब बोलते हैं ना कि ईश्वर हमारे हृदय में है, भगवान हमारे हृदय में पहले से ही है। तो हमने उसको महसूस करना है। एक्चुअली इट्स अबाउट थिंकिंग इनिशियली एंड लेटर ऑन एज यू कीप ऑन डूइंग इट आप उसको महसूस करने लगेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिलैक्सेशन से और फिर उसके बाद हम जाएंगे मेडिटेशन पे। तो रिलैक्सेशन का एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके तुरंत बाद मैं बोलूंगी प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। और मेडिटेशन में आपने क्या करना है, अपने विचार को अपने हृदय पर लेकर जाना है और महसूस करना है कि ईश्वर वहां पे पहले से ही मौजूद है, जो कि दिव्य प्रकाश के रूप में है। दिव्य प्रकाश का मतलब यहाँ पे कोई सूरज या चांद की रोशनी नहीं है, कोई बल्ब या ट्यूब का प्रकाश नहीं है, लेकिन दिव्य प्रकाश मीन्स इट्स एन इमेजिनेशन। मैं जस्ट ऐसे हाइपोथेटिकल है ये जो रोशनी है, इसको मैं बस फील कर सकती हूँ कि हाँ मेरे हृदय में ईश्वर है और वो दिव्य प्रकाश के रूप में है। बस इतना मैं महसूस करूं, इसको मैं फील करूं या फिर इसको मैं सोचूं, ऐसा हमने शुरू शुरू में करना है। फिर क्या हो सकता है ऐसा कि बहुत सारे विचार आए, क्योंकि अभी हम थॉट्स के बारे में विचार कर रहे थे, सॉरी बात कर रहे थे। हो सकता है बहुत सारे विचार हमें आए कि मुझे अभी क्या खाना बनाना है या फिर बच्चों के बारे में कुछ भी। तो आप उन विचारों को ऐसे ट्रीट करिए कि आपके घर में कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया है। तो जब कोई ऐसा मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसको ज्यादा ट्रीट नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं कि ठीक है चाय पिला दी और हम ज्यादा बैठेंगे नहीं। इसी तरह से हमने अपने विचारों को ट्रीट करना है। इन विचारों को हमने बोलना है कि अभी 10 मिनट्स 12 मिनट्स मैं जरा मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देखती हूँ। तो उन विचारों में उलझना नहीं है और अपने दिमाग पे किसी तरह का जोर नहीं लगाना है। बिल्कुल शांति से, अगर आपको लग रहा है आपको नींद तो इसको आप होने दीजिए, राइट। सो व्हाट विल हैपन हियर, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम आ रही है। तो इसमें हमने क्या करना है, अभी हम हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं। मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, मेरे हृदय में ईश्वर है, प्रकाश के रूप में है, विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना लेकिन दिमाग पे जोर नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना है। नींद आ रही है आप उसको एंजॉय कीजिए, आप फील कीजिए कि मैं हृदय में हूँ और वहां पे दिव्य प्रकाश है, ऐसा ही महसूस करना है। अभी आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल आंख बंद करके आराम से बैठ जाएं। अगर आप हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्लीज आप वो जरूर कीजिए। और अभी हम रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके जस्ट बाद हम करेंगे मेडिटेशन। या हियर वी गो।
हृदयानुभूति से शिथिलीकरण। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस को प्राकृतिक और शांत होने दें, विश्राम की स्थिति में आ जाएं। पैरों की उंगलियों से शुरू करें, अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर लाएं और ये महसूस करना आरंभ करें कि आपके पैरों की उंगलियां ढीली हो रही हैं। आपके पैरों की उंगलियां इतनी ज्यादा शिथिलता का अनुभव कर रही हैं जितनी कि पहले कभी नहीं की। अब अपने पैरों पर ध्यान दें और उन्हें पूरी तरह शिथिल होने दें। अपने टखनों पर ध्यान दें, महसूस करें कि सारा तनाव टखनों को छोड़कर जा रहा है। विश्राम की स्थिति में आ जाएं, सांस अंदर खींचें, बाहर छोड़ें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान पैरों के निचले भाग पर यानी पिंडलियों पर लाएं और उन्हें भी ढीला होता हुआ महसूस करें। हल्के से सांस लें, फिर सांस बाहर निकालें और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब अपना ध्यान अपनी जांघों की ओर लाएं और महसूस करें कि वे भी शिथिल हो रही हैं। अब उंगलियों से लेकर पूरा पैर आराम की स्थिति में आ गया है। धीरे धीरे सांस लें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान कूल्हे पर लाएं और आपने जो भी तनाव वहां जमा कर रखा है उसे शिथिल करें। अब आराम की स्थिति में आए, धीरे धीरे सांस लें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान पेट पर लाएं और महसूस करें कि आपके पेट की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं और अब तनाव रहित हो जाएं। सांस लें, सांस बाहर छोड़ें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अब छाती पर ध्यान दें, महसूस करें कि अब पूरी छाती शिथिल हो रही है। धीरे धीरे सांस लें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान पीठ के निचले हिस्से से शुरू करते हुए पीठ के ऊपर की तरफ ले आएं। शांति से धीरे धीरे सांस लें, पीठ के निचले हिस्से में जमे हुए सारे तनाव को जाने दें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अब पीठ के ऊपरी भाग पर आए, वहां जो भी तनाव है उसे जाने दें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अब आपकी पीठ पूरी तरह से शिथिल है। अब अपना ध्यान हाथों की उंगलियों के पोरों पर लाएं, हाथों की उंगलियों को शिथिल करें और फिर अपने हाथों को शिथिल हो जाने दें। आपकी बाहों का निचला हिस्सा अब शिथिल हो रहा है और आपकी बाहों का
ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह शिथिलता महसूस कर रहा है। सांस लें, सांस बाहर छोड़ें और तनाव को जाने दें। अब कंधों को शिथिल होने दें। कंधे शिथिल हो रहे हैं और उनमें से तनाव पिघल रहा है। गर्दन की मांसपेशियों में कोई भी अकड़न हो तो उसे ढीला करते हुए अपनी गर्दन को शिथिल होने दें। अब गर्दन के सारे तनाव को हटाकर शांति से सांस लें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अपना ध्यान चेहरे पर लाएं और शिथिल हो जाएं। आपका जबड़ा और होठ शिथिल हो रहे हैं और आपकी आंखें हल्के से धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अब तो पूरा विश्राम है। अब अपने मन की ओर ध्यान दें। अंदर से पूरी तरह शिथिलता अनुभव करते हुए शांत भाव से धीरे धीरे सांस लें और अपने मन को शिथिल हो जाने दें। अब अपना ध्यान हृदय पर लाएं। अपने हृदय में पूरी तरह से शिथिलता अनुभव करते हुए वहीं बने रहें। हाँ, थोड़ी देर और वहीं बने रहें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान में ले आएं। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और धीरे से हल्के से अपनी आंखें खोलें। ये हमारा आज रिलैक्सेशन था। इसके बाद आप हल्के से अपनी आंखें बंद ही रखिए और अपने ध्यान को अपने हृदय पर लेकर जाइए। महसूस कीजिए कि आपके हृदय में ईश्वर पहले से ही मौजूद है या विद्यमान है। यह जो ईश्वर है, जो आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, यह दिव्य प्रकाश के रूप में है। यह दिव्य प्रकाश आपको अंदर की तरफ खींच रहा है। इसी विचार पर अपने मन को लगाए रखें। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। अपने सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। किसी भी विचार को कोई अटेंशन ना दें। बहुत आराम से उसे साइड में हटा दें और अपने विचार को फिर से अपने हृदय पर ले आएं। हृदय में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। ईश्वर को दिव्य प्रकाश के रूप में महसूस करें।
अपने आप को पूरा महसूस करें कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। अपना ध्यान अपने हृदय पर ही बनाकर रखें। दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करते रहें। ईश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें यह जीवन दिया। धीरे धीरे अपने आप को वर्तमान स्थिति में लेकर आए। अपने आप को महसूस करें, अपने वातावरण को महसूस करें। आपका पूरा घर, पूरा ऑफिस, जहां कहीं भी आप हैं, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी, गॉडली एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। सब तरफ पॉजिटिविटी फैल रही है, ऐसा महसूस करें। सब जगह प्यार, प्रेम, हार्मनी, सब जगह पॉजिटिविटी फैल रही है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। और अपने आप को महसूस करें, अपने आप को देखें कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस एंड इफ समबडी इज रेडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस यू आर मोस्ट वेलकम आल्सो। थैंक यू डॉक्टर रुचिका, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। Thank you, ma'am. Yeah. So,
कोई भी सुपर मोम इफ दे वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस और इफ यू वुड लाइक टू हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशन काइंडली जस्ट हैव इट हियर. किसी को कुछ भी पूछना है या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ भी डाउट या सेशन से रिलेटेड कुछ भी आपके इश्यूज हैं आप पूछ सकते हैं. या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हेलो जी. यस मैम. सीमा बताइए. सीमा मैम जी. हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम. मतलब एकदम रिलैक्सेशन, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई और एकदम जैसे हल्कापन लग रहा हो, बहुत हल्कापन लग रहा हो. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस. हाँ जी सीमा जी, वी कैन लिसन टू यू. मतलब एकदम हल्कापन लग रहा है, बहुत मतलब एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. तो एक रेगुलर एक्टिविटी भी बना सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, बिकॉज यू नो मदर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इसको बहुत प्यार से अच्छे से निभा सकते हैं, इस जिम्मेदारी को बहुत शांत रह के और बहुत अच्छे से. यानी कि हमारे पास एक ब्लेसिंग्स हैं, हम हमेशा पता नहीं है, लेकिन आप इसको वीडियो को देख सकते हैं हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन करके यूट्यूब पे. और आप 3 सिटिंग्स भी ले सकते हैं जो हार्टफुलनेस है, ये हमेशा पूरे दुनिया में फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका. तो आप इसकी सिटिंग्स 3 सेशंस होते हैं, इसको करके आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अभी तो हमारे पास समय का अभाव था तो हम थोड़ा सा ही कर पाए. कैसे कैसे मतलब इस पे यूट्यूब पे देख सकते हैं हार्टफुलनेस के नाम से? हाँ, हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन डाल के हम देख सकते हैं. आप कहाँ रहते हो सीमा जी? मैं रंगोली गार्डन जयपुर. जयपुर में रहते हो ना आप? तो हाँ जी हाँ जी. आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं, तो मैं आपको वहीं पे कोई प्रेसेप्टर ट्रेनर का नंबर दे दूंगी जो रंगोली गार्डन में ही है या फिर इसमें भी है. जैसे हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं कई बार, जयपुर में ना हमारा फ्लैट है उमंग में जी, तो वहाँ पे भी एक दो ट्रेनर प्रेसेप्टर है. तो सिटिंग्स तो जयपुर में बहुत सारे लोग हैं जो दे सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है, जिंदगी भर कोई 1 रुपया भी नहीं लेगा आपसे. तो मैं तो आशियाना की बहुत थैंकफुल हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप सबके सामने मैं आ पाई. मैं आशियाना टाउन भिवाड़ी में थी इससे पहले और हम लोग काफी सेशंस कराते थे. 4.5 साल तक पूरे हमने वहाँ पे कराया, काफी लोगों को, काफी लोग जुड़े हुए थे. तो आप भी इसको कभी भी कर सकते हैं. नहीं, जब नेगेटिव विचार पॉजिटिविटी में आ जाते हैं और प्लस अपने को इस तरह की गाइडेंस मिलती है तो जीना आसान हो जाता है जी. बहुत अच्छा लगा आपसे. हाँ, बहुत अच्छा लगा रूपिका जी, सेशन बड़ा अच्छा था. इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी दी. मेडिटेशन का तो ये सबके लिए बड़ा अच्छा सेशन रहा. थैंक यू. हमारा ग्रुप तो है ही, हम सब सिस्टर्स हम तो जुड़े ही हुए हैं आपस में. जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे आप सभी लोग हैं ही ना? हम तो आशियाना उमंग से हैं मैम. उमंग में ही हैं आप? हाँ जी. अच्छा अच्छा. हेलो मैम. हेलो मैम. हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका. क्या जमशेदपुर में भी कोई ट्रेनर है आपके इसका? थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है. आपका सेशन बहुत अच्छा रहा मैम. जमशेदपुर में भी कोई ट्रेनर है आपका? हाँ जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है. जमशेदपुर में भी हमारे पास ट्रेनर्स हैं. तो आप मुझे ना उसपे अपना जो ग्रुप बना हुआ है इसी पे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको सबको नंबर्स दे दूंगी उनके. तो आप ये सिटिंग्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं. जी जी. मेरा जीवन बहुत बदला है एक्चुअली. मेरे तो हस्बैंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस सिस्टम को. तो मैं 14 साल से कर रही हूँ. अभी 2017 में मैं ट्रेनर बनी हूँ. तो मुझे काफी बदलाव लगता है अपने अंदर. जैसे कि पहले बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा बच्चों पे भी, बाहर भी, क्योंकि मैं तो वर्किंग भी हूँ तो कई बार मैनेज करने में भी प्रॉब्लम थोड़ी सी होती थी. रिलेशनशिप्स में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती थी, ऐसा लगता था कि पेशेंस नहीं है या कुछ. तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीजें ना हमें डेवलप होने लगती है. हमने सीखना है कि हम आज जो है उससे हम बेटर बन पाए कल को. तो हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, यही हमारे जीवन का एक पर्पस भी है. अदरवाइज जी तो एक चिड़िया भी रही है, गाय भी जी रही है, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रही है ना जी, बिल्कुल. तो अगर मैं
ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं उन सबसे बेटर कैसे हूँ, क्योंकि बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स तो सबसे हाईएस्ट इवोल्व्ड हैं, तो मैं सबसे बेटर एक सुप्रीम कैसे हूँ। एक मनुष्य का जीवन मिलना एक कहते हैं एक आशीर्वाद है, लेकिन आजकल देखते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है। तो वो दुख हमने हमारे विचारों की वजह से ही क्रिएट किए हुए हैं। अगर हम उनको पॉजिटिव कर दें, रेगुलेट कर दें उनको, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं सभी लोग। जी थैंक यू सो मच। और या फिर कोई किसी के कुछ क्वेश्चन, कुछ फीडबैक, कुछ एक्सपीरियंस? किसी को कुछ और शेयर करना है? ओके, रुचिका मैम, इफ यू डोंट माइंड यू कैन राइट योर नंबर इन द चैट बॉक्स, जिसको भी नोट करना होगा वो लोग नोट कर लेंगे नंबर आपका। नंबर दिया है अभी। यस यस, डॉक्टर बी एम हेगड़े एंड द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। हु इज दिस वंडरफुली? अच्छा, मिस्टर अतुल इज राइटिंग टू एवरीवन। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर की जो बिलीव करते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर है, लेकिन आयुर्वेदा को सजेस्ट करते हैं ना, उनका नाम है डॉक्टर बी एम हेगड़े और बहुत अवार्ड्स मिले हैं उनको ना, तो आप देख सकते हैं उनको भी YouTube पे, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई हैं। ये जो मैं बता रही थी ना कि कैंसर कैसे होता है, ये उन्होंने बताया कि जब हम हेट करते हैं तो कैंसर होता है हमें। और द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जो है ब्रूस लिप्टन ने दी है, जिनकी मैंने फोटो दिखाई थी आपको, तो इनको हम, ये एक्चुअली ये रिसर्च है। मेडिटेशन भी ऐसा नहीं है कि मैं 60 साल की उम्र में ओके करूं। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैम हमारा जीवन बदल रहा है। और इवन आजकल कॉर्पोरेट में जाने वाले, गवर्नमेंट सर्विस में, प्राइवेट सर्विस में, हाउसवाइव्स, मदर्स, सब लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तो पैर ही मुड़ने बंद हो जाएंगे तो मैं बैठ भी कैसे पाऊंगी। तो जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग हमारा ठीक है, तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और हम इस जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। सो थैंक यू एवरी वन फॉर बींग द पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड प्रेयर्स टू एवरी वन। सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना। मैम डॉक्टर हेगड़े का कैसे पता चलेगा यूट्यूब पर? ये ना यूट्यूब पे आप डालेंगे ना डॉक्टर बी एम हेगड़े ऑन कैंसर या फिर ऑन फूड हैबिट्स, तो वो आपको मिल जाएगा उस पे यूट्यूब पे। डॉक्टर और मैं बी एम हेगड़े, बी फॉर बॉम्बे, ओके बी एम हेगड़े। जी जी, और मैं ये हार्टफुलनेस का भी बता देती हूँ, जो मैंने आपको अभी रिलैक्सेशन दिखाया था। जी जी, हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन, ये हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन जब आप YouTube पे डालेंगे, हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश लिख दीजिए, जिसमें आपको सुनना है आप उसमें सुन सकते हैं। और इसकी जो साइट है वो भी बता देती हूँ, heartfulness.org। यहाँ पे हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर्स है और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है। अगर आप डालेंगे ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल, तो हार्टफुलनेस का दिखाएगा आपको हैदराबाद में। और यहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख लोग बैठ के एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग है कि हम ह्यूमन बीइंग होके अपने आप को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आप कुछ भी करें, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, यू कैन एंजॉय योर लाइफ इन मैनी फोल्ड्स। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू जस्ट हैव द सेशंस। अगर आपको कोई और नहीं मिल रहा किसी जगह पे, कोई ट्रेनर नहीं है, तो आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं आपको सिटिंग्स दे सकती हूँ। अभी तो रिमोट सिटिंग चल रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से। और मेरे पास ऐसे ना बहुत अच्छे अच्छे और भी टॉपिक्स हैं, तो हम आगे भी और ऐसे सेशंस कर सकते हैं, जैसे डिजाइनिंग डेस्टिनी पे है और हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टोरीज हैं बहुत सारी, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन टीचिंग में हूँ, तो मैं बच्चों को स्टोरी सुना सुना के ही पढ़ाती हूँ। तो वो चाहे पीएचडी का बच्चा है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे स्कूल गोइंग बच्चा है, सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है और सब उसको रिलेट कर पाते हैं। सो थैंक यू टीम आशियाना फॉर हैविंग मी हियर, रितु मैम, चांदना मैम, सोनिया मैम, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। एंड आई एम थैंकफुल टू दिस सोना टीम एज वेल फॉर कम्युनिकेटिंग विद मी एंड कनेक्टिंग मी हियर, एंड थैंक यू ऑल डियर सिस्टर्स,
for being thank here. You Dr. Rutika. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So we have to end the session now. And thank you so much, everyone.